हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि एक ब्रेकफास्ट रेसिपी है और बच्चों को बहुत पसंद आता है, जल्दी बन भी जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले फ्रेंड्स, प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सबसे पहले हमने एक पैन में बटर गर्म कर लिया है। जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाएगा, हम उसमें एक बारीक प्याज कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, आधी छोटी कटोरी कॉर्न्स के ले लिए हमने। आप चाहें तो यहाँ पर अपने पसंद के हिसाब से और भी चीज़ें जो पिज़्ज़ा में आप पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं, या जो आपके पास उस टाइम अवेलेबल हो। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हमने यहाँ पे पिंच ऑफ अ सॉल्ट ले लिया है, वो डाल दिया है, और पिंच ऑफ अ रेड चिल्ली पाउडर थोड़े से टेस्ट के लिए ये भी डाल दिया। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स, ये पिज़्ज़ा मैं तवे पे बना रही हूँ, इसलिए तवे पे क्या होता है, चीज़ मेल्ट हो जाती है पर ये सारी चीज़ें कच्ची रह जाती हैं। इसलिए हम 1 से 2 मिनट पहले यानी फास्ट फ्लेम पे 2 मिनट फास्ट फ्लेम पे पका लेंगे। इसे 2 मिनट कंटिन्यूसली चलाते रहें और फास्ट फ्लेम पे ही पकाएं। अब 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए ये पक भी चुके हैं और ज़्यादा गले भी नहीं हैं। तो अब आप शुरू करते हैं। हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया। यहाँ पे मैंने एक ब्रेड स्लाइस ले लिया है, जिसके मैंने कॉर्नर्स कट कर लिए हैं। उसको बेलन की हेल्प लेके मैं इस तरह बेल दूंगी। हमें इसे पतला करना है। ये देखिए चारों कॉर्नर्स को अच्छी तरह से हमें इसे बेलना है। अब ये जो ब्रेड है मैंने बेल ली है, बट इसके कॉर्नर्स थोड़े से ऐसे रफ लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके कॉर्नर्स को थोड़ा सा नाइफ से कट कर लेंगे शेपिंग के लिए, क्योंकि बेलने के बाद ब्रेड की जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ी भी हो जाती है। तो थोड़े से कॉर्नर्स हमने कट कर लिए। अब शुरू करते हैं बाइंडिंग। सबसे पहले जो हमने एक ब्रेड ले लिया है, उसमें हम टमाटो केचप लगाएंगे चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए। अब सॉस अप्लाई हो चुकी है, तो हमने यहाँ पे चीज़ स्लाइस ले ली है ताकि और चीज़ी सा हो जाए। हमने यहाँ पे इसे अप्लाई कर दिया। साथ ही जो हमने ब्रेड बेल कर रखी थी वो हमने ऊपर डाली है। इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे। हमारी स्टफिंग तैयार है, हम स्टफिंग को इसके ऊपर रखेंगे। ज़्यादा कम आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। हमने पूरी तरह से स्टफिंग इसके ऊपर भरकर अब तैयार कर ली है। अब जो है हमारा मेन इंग्रेडिएंट चीज़, हमने यहाँ पे ग्रेटेड चीज़ ले ली है, मोज़रेला चीज़ ली है मैंने। अब वो अच्छे से फिल कर लेंगे। फिल करते साथ ही फ्रेंड्स, हम उसको थोड़ा प्रेस भी करते रहेंगे। अब फाइनली हमने ये चीज़ भरकर तैयार कर ली। अब मैंने एक पैन में थोड़ा सा बटर ले लिया। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, यहाँ पे ब्रेड को रख देंगे और उसे कवर कर देंगे। 1 मिनट के बाद हम उसे ओपन करके देखेंगे। ये देखिए मेरी चीज़ मेल्ट हो गई है। 1 मिनट बाद मैंने ओपन की थी, नहीं मेल्ट हुई थी, इससे मैंने फिर से 1 मिनट रख दिया। 2 मिनट में हमारी चीज़ मेल्ट हो गई और हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा एकदम तैयार है।